चिड़ावा में पुलिस को चोरों की खुली चुनौती। मेन सड़क पर अल सुबह कर डाला हादसा, दुकान का पड़ोसी जागा तो भाग गए चोर। चिड़ावा की पुरानी तहसील रोड की घटना, 2 लाख की नकदी और जेवरात चुरा ले गए चोर। रोड से शटर उखाड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर। झुंझुनू के चिड़ावा में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। आए दिन हो रही चोरियों की वारदात से हर कोई अपनी दुकान और मकान असुरक्षित सा महसूस करने लगा है। ताजा मामला आज अल सुबह का है। चिड़ावा कस्बे की पुरानी तहसील रोड जो मुख्य रोड है, उस पर ही चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान पर धावा बोल दिया। जानकारी के मुताबिक आज अल सुबह करीब 5:15 के करीब पुरानी तहसील रोड पर रहने वाले व्यापारी राकेश बाचुका को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जब मुख्य सड़क की ओर देखा तो उनके सामने स्थित नेहा ज्वेलर्स को शटर को तोड़कर उसके अंदर चोर घुसा हुआ था। वहीं इसी दुकान के सामने चोर का एक बाइक सवार साथी खड़ा हुआ था। चोरों को जैसे ही पड़ोसी के जाग होने का अंदेशा हुआ, वे दोनों मौके से भाग गए। चोर गांधी चौक की तरफ बाइक पर भागे। राकेश बाचुका ने दुकान मालिक को फोन पर चोरी की सूचना दी, जिसके बाद दुकान मालिक और उसका बेटा मौके पर पहुंचा। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस भी पहुंची। दुकान मालिक के बेटे महेश ने बताया कि बदमाशों ने रॉड से दुकान का शटर तोड़ा और दुकान के अंदर रखे 2 लाख का कैश व एक चांदी की हमेल चुरा कर ले गए। यदि समय पर जाग नहीं होती तो करीब 2-3 लाख की ज्वेलरी पर चोर और हाथ साफ कर देते। बहरहाल पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आए दिन हो रही कस्बे में चोरियों की वारदातों से कस्बे वासियों में रोष है। सुबह 5 बजे से 5 बजे के 20 मिनट के लगभग हुई है, मेरे पड़ोसी राकेश जी बाचुका ने मुझे सूचना दी थी कि आपकी दुकान में अज्ञात व्यक्ति घुसे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं। मैं तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर शटर खुला हुआ था, अंदर ड्रॉअर वगैरह निकले हुए थे। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने तफ्तीश की, देखा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप अपने जो भी अंदर सामान वगैरह वो देख लीजिएगा और बाकी की सूचना मैं कर दीजिएगा। ये लगभग 2.5 से 2.5 लाख रुपए के लगभग का नुकसान हुआ था। कैश लेके गए, ज्वेलरी के अंदर सिर्फ एक हमेल लेके गए हैं 200 ग्राम चांदी की।